श्वान धरती पर भाई साहब ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ये मेहनत हमारी बर्बाद हुई। हमें चाहिए जिसमें ज्यादा बड़ा छेद हो, जाके अगर हमें उसमें पानी भी उबालना पड़े तो उबाल सके। इसमें पानी उबालने के लिए और कोई भी चीज रखने के लिए जगह ही नहीं है। और जंगल में हमारे लिए खाना फिलहाल होगा, फ्रूट्स अगर हमें मिल जाए रास्ते में, या फिर ऐसी कोई चीज जिसे हम खा सकें। हमें क्या मिला? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लांट, नथिंग लाइक दैट। इट इज करी लीव्स, या फिर करी लीव्स ही कहते हैं इसे, या हिमाचल में से लोकल जो लोग है या भाषा में इसे गंधेलू कहते हैं। इट हैज लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज एंड बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पे लोकली से यहाँ पे नीम बहुत कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यार नीम है ही नहीं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसे पहले के समय दातुन करने के लिए इसे यूज़ करते थे, करी लीव्स को। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव फॉर योर बॉडी। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स फर्स्ट थिंग, और खाने में जैसे आप यूज़ करते वैसे तो आप करते ही हो। और इसमें ना छोटे छोटे जब ये ग्रीन होते हैं तब इन्हें नहीं खाते हैं, जब ये जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये ब्लैक लगते हैं इसमें छोटे छोटे। इफ़ यू ईट देम दैट्स टेस्टी, इट इज स्वीट इन टेस्ट। सो इन केस यू गेट सच अपॉर्चुनिटी टेस्टिंग करी लीव्स, ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा। एंड यू कैन डू टूथपेस्ट ऑल्सो, ब्रशिंग योर टीथ। I've got a story behind this plant. I was a small chat from the age of 5-6. So what has happened was, मेरे घर में ना मेरी तरफ कोई attention दे नहीं रहा था। So I had younger brother and sister. So I wanted to get the attention of my mother, father, my grandmother and my grandfather. So what happened is, what I did, मैंने इसकी एक छोटी पत्ती जो है अपने ऐसे ऐसे करते 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 अपने नाक में घुसा दी। एंड आई स्टार्टेड शोइंग ऑल द टैंटरम्स टू देम कि देखो मेरे नाक में कुछ हो गया, ये वो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर देन आई स्टार्टेड क्राइंग। सो व्हाट हैपेंड इज व्हेन यू क्राई जल्दी आपका नाक बाहर आता है। उसके बाद फिर मेरा जैसे नाक बाहर आया देन एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, अच्छा अच्छा ये काट गया तूने। और मुझे लगा था मुझे प्यार मिलेगा उसके बाद, ऐसा जो दुनाई हुई है ना। ठीक है, सो इट्स अ वार्निंग फॉर यू गाइस। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अटेंशन चाहिए, अटेंशन के चक्कर में हमारी दुनाई हो जाती है। तो डोंट डू दैट, फॉलो मी फॉर यस। सो दिस वाज अ प्लांट दैट आई वाज रेफरिंग फॉर करी लीव्स। Let me see if I can come closer. मैं दिखा रहा हूँ कि आप कैसे, ये देखिए, ये पूरी तरह ये पक चुका है। तो यू कैन ईट दिस। छोटी सी गुठली होती है, यू कैन थ्रो दैट अवे। और ये हरा है, जब ये पकने वाला है तो ये लाल हुआ, लाल के बाद ये फिर ऐसा ब्लैक हो जाएगा। एंड इट इज टेस्टी गाइस, स्वीट इन टेस्ट। कम फॉलो मी।
हाल है आपका? क्या आप सही हैं? क्या ये बांस हमारे काम आएगा? क्या इस बांस से हम कुछ कर पाएंगे? आओ देखते हैं। मनोज की गोली रोज की टोली के साथ, ये मजे की बात है। लेट्स गेट सीरियस गाइस। अगर इसमें हमें कोई मजबूत सा बांस मिल गया आसानी से तोड़ पाएंगे। अरे बांस की जगह हम उसे यूज करेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी कीड़ियाँ भी हैं, आपको इससे बच के रहने बहुत जोर से काटती हैं। इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें। हमारा ये ऑलमोस्ट 50% हमने कर दिया है। वजन से हमने कोशिश करी और ये गिर गया है। हमारा इसको काटते काटते क्या हुआ, इसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि ये टूट गया है। तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम आई है कि वो इसके अलग अलग स्प्रेड हो गया है, तो ये किसी काम नहीं आएगा। अब हमें इसे यहाँ से कुछ करना पड़ेगा और मौसम यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रहा है। We'll have to look for a shelter। कैसे करेंगे? यहाँ से इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें मुझे लगभग एक डेढ़ घंटा लगेगा। इसमें मुझे करते हुए 45 मिनट्स लगे थे, इसमें मुझे करते हुए एक डेढ़ घंटा लगेगा। बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो पानी रखने के लिए और कोई भी चीज़ उबालने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ इसको करना ही पड़ेगा। ये देखिए हमारी मेहनत इतना रंग ले गया कि ये इसे आधा घंटा हो गया मैं काटते हुए। ये देखो हमारा छेद जो कि काफ़ी बड़ा है, दिखा पाऊँ, हमारे लिए सफिशिएंट। एटलीस्ट हमें कोई भी चीज़ इसमें उबालनी है या गर्म करनी है, वी कैन डू दैट। गुड न्यूज़, बड़ी देर बाद एक बार गुड न्यूज़ मिली है, ठीक है। और बारिश भी का माहौल हो रहा है, तो वी विल हैव टू लुक आउट फॉर अ शेल्टर फॉर अस दिस जंगल। लेट्स सी व्हाट वी डू। और सुबह से भूख खाना भी कुछ नहीं खाया है, तो हमने जो तीन चीकू रखे हुए हैं, चीकू नहीं क्या है वो, पीच, यस, तीन पीच हमने रखे हैं, वो मैं खाऊँगा। बस मैंने चैलेंज लिया था इसको तोड़ने के बाद या ऐसा कुछ करने के बाद ही मैं उसे खाऊंगा। तो विल शेयर दोस स्पीच विद यू गाइस, तो स्टे विद मी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक बैठने का नहीं रे बिड़ू। हमारा स्ट्रगल काफी खत्म हो चुका है। एक बार इसको ऊपर से उठा के देखते हैं, अगर ये टूट गया तो हमारी आधी मेहनत बच जाएगी। And we have done it guys, we have done it। जिस छेद की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है, देखिए इसका स्पेस कितना ज़्यादा है। अभी हमारे लिए पानी का भी हलो है, इसके अंदर हम पानी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ बॉयल करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस, ये बहुत अच्छा है। आजकल इसकी वाटर बॉटल भी यूज़ होना शुरू हो गई है। चलो सो दिस आर सोवनियर, ये हमारी बॉटल है जो तैयार हो चुकी है। बॉटल, वैसे बर्तन, भांडे, टिंडे, ये सब है हमारे लिए। अब करेंगे अब इसको थोड़ा सा, अगर आपको ये बॉटल चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट 9892 एमपी नगर जोन 2। बाहर निकल गया वो, अब इधर से ये लॉक है इसमें, जब जबकि अगर घुस जाए
इतनी तकलीफ देता है, इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं। ये आपका बॉटल का निचला हिस्सा, इसमें से पानी लीक नहीं होगा, और अगर इसमें पानी गर्म करते हैं या फिर कुछ भी सामान रखते हैं तो ये जलेगा नहीं। सो दैट वॉज द रीज़न आई वॉज सेइंग कि मुझे हरा या गीला बांस चाहिए। सूखा बांस हमारे लिए कभी भी कोई चीज़ बॉईल करने के काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो जल सकता है, ठीक है, जले हुए आश की तरह जल जाता है। ये आज की हमारी ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी को हम संभाल के रखेंगे। और मेरी चीप बैंक जो मेरे कमाए हुए दूसरे लेमन हैं। चलने से पहले कभी अपना पैर जोर से इधर उधर करो, यदि गलती से वहां पर कोई भी सांप या कोई भी कीड़ा है वो वहां से भाग चला जाएगा। तो किसी भी जगह पर पैर रखने से पहले आप उसे एक बार हिला लें, ताकि वहां पे यदि कोई सांप कोई भी चीज है यदि छुपा हुआ है वो भाग जाएगा। घर पे कोई है? कोई है क्या? मैं मेहमान आया हूँ, प्लीज मुझे मत खाना। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे से डरे तो मैं आई हूँ। ले चले कि नहीं ले चलते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो करते हैं, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 का लगा धागा चोर निकल के भागा, नहीं लेके जाते क्योंकि सूखी लकड़ी हमें आगे भी मिल सकती है। तो जितना कम बोझ हो सके उतना करें। पर यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पे ये सूखा है, और अगर हमें यहाँ पे कुछ खाना बनाना है कुछ करना है तो ये जल्दी जल जाएगा, और यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ भी हमें मिल जाएंगी। तो लेट्स सी, और बारिश भी होने वाली है, इट विल हैव टू लुक आउट फॉर शेल्टर एज वेल। अपना शेल्टर कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, विल वर्क इट आउट ऑन दैट। तो लेट्स लुक आउट फॉर दोस। इसी जगह पे हम खाना बनाएंगे, आगे का व्यू देख के आते हैं। चलो, ये फिसलन भरा हो सकता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज इसका यहाँ पे बिल्कुल भी वो घास नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो फिसलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है, तो हमें इसके ऊपर चलना है, ठीक है। अब ये रो, आगे मत जाओ क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा फिसलन वाला है। हम यहाँ दोबारा आएंगे बिकॉज हम खाना बनाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं, वो बहुत प्लेन काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है, और जंगल में आग भी नहीं लग सकती है, नीचे पत्थर है, इसलिए हमने ये ऑप्शन चूज़ किया कि हम पत्थर के ऊपर आग जलाएंगे, राइट। जंगल में जलाएंगे उसकी ज़रा सी भी चिंगारी आग लगा सकती है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी लिट द फायर। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा है,
अगर फुटेज कुछ आगे पीछे आए ना forgive us because it is actually dangerous. हॉस्पिटल यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर है. एम्बुलेंस इतनी जल्दी इस नेटवर्क में आपको मिलेगी. मेरी केयर आप अपने साथ साथ धीरे से आना. अगर आपको जरूरत है क्या क्या फिसल रहे हैं बहुत से लोग क्या करते हैं कि साफ सी जगह देखते हैं कि अरे ये साफ है इसलिए मुझे यहाँ पे पैर रखना चाहिए. नहीं, जिसमें ज्यादा घास होगी होगी इट इज बेसिक कि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्लिप इज लेस. तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे घास है यहाँ पे ज्यादा रखना, यहाँ पे नहीं है. लकड़ी है और ये पानी में डूबेगी. लकड़ियां भी पानी में डूबती है. लेट्स कम फॉर अदर एक्सपीरियंस. ठीक है, और नाउ विल हंट फॉर समथिंग फॉर अस टू ईट, खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं. ठीक है, आई डोंट नो इफ वी कैन टेक द कैमरा बिकॉज़ थिंग्स आर प्लेस वेयर आई वांट टू टेक इट इज एक्चुअली डेंजरस. सो मैं बैग में उतार के जाऊंगा. लगा और यहाँ पे कट गया. अब लकी हो तभी मिलता है. अदरवाइज यू डोंट गेट.